हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आई कोई इंटरवल दे रखा है डिसजॉइंट फ्रॉम माइनस वन टू वन प्रूव डेट एफ एक्स इज टिकलिंग क्रीजिंग ऑन आई। मतलब कहने का मतलब बच्चों, डिसजॉइंट का मतलब समझते हो क्या होता है? इसको छोड़ के बाकी सब जगह क्या है वो इंक्रीजिंग है। इसको छोड़ के बाकी सब जगह क्या है इंक्रीजिंग। बच्चों सबसे पहले मैं इसको मैकेनिकल समझाता हूँ, फिर आपको ग्राफिकली और एनालिटिकल समझाता हूँ कैसे होता है। ये बच्चों ये फंक्शन है आपका, कैसा फंक्शन है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। ये जो है ना कॉम्पिटिशन बहुत वैल्यू रखता है ये फंक्शन, ठीक है? तो क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स जो है हमारा क्या गया, वन माइनस वन बाई एक्स के। क्योंकि यहाँ पर एक नंबर है और एक उसका क्या बच्चों रेसिप्रोकल है। एक्स जीरो हो नहीं सकता, एक्स जीरो हो नहीं सकता। तो ये बात समझ आती है नहीं आती? अब हमें चेक करना है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंटरवल्स निकालने हैं। तो यहाँ पर फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो एक्स स्क्र माइनस वन अपॉन एक्स स्क्र इक्वल टू जीरो। एक्स जो है आपका डोमेन के अंदर है ही नहीं, ठीक है? तो अब ये जो पॉइंट्स आ गए हमारे पास, क्या आ गए, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। क्या आ गए बच्चों पॉइंट्स, क्या आ गए, प्लस माइनस वन। इसको हमने प्लॉट किया तो ये माइनस वन है और ये क्या है, वन। और बाकी इसको रफली आपको पता चल जाता है, इधर कोफिशिएंट एफ एक्स का पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बात आई बच्चों समझ, ठीक है? और ये जीरो पे बच्चों अनडिफाइंड है और आपको उसके अंदर कुछ भी नहीं दे रखा। क्या दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा। तो ये क्वेश्चन बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास लेके आ रहा है। अब बच्चे जो थोड़े से अनजान है इसके बारे में, इंटरवल के अंदर देखो बच्चों जीरो नहीं दे रखा, एक्स ही नॉट इक्वल टू जीरो नहीं दे रखा, वो गलती कर जाएंगे इस तरह। जो कॉन्सेप्ट है वो इस बंदूक को अपने ऊपर ही चला लेंगे। बात ही समझ। तो जीरो भी बच्चों एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि डोमेन में यदि इधर साइड पे दिया होता नहीं है तब तो कोई बात नहीं थी। तो अब साइन आपको पता चल रहा है बच्चों, इधर क्या होगा नेगेटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव। बात आई बच्चों समझ, ठीक है? तो जीरो को रहने दो, तो ये क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव। क्या आ गया, नेगेटिव। समझिए बात बच्चों, क्लियर है? तो अब आप देखो बच्चों क्वेश्चन के अंदर x प्लस वन अपॉन एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो माइनस वन और वन को छोड़ के हर जगह वो क्या है, इंक्रीजिंग है। यही तो हमें प्रूव करना था, बस इसको हमें क्या करना, दिखाना है। ये बच्चों एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स है, ठीक है? और इसको डिफ्रेंशिएट किया, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आ गया। फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होता है, इक्वल टू जीरो। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट नहीं, क्या क्या स्टेशनरी पॉइंट, माइनस वन और वन। वन के इधर पॉजिटिव होता है, माइनस वन के इधर नेगेटिव होता है, लेकिन सीबीएसई में तो हमें दिखाना होता है। तो अब हमने क्या किया, एफ डैश एक्स जो है आपका क्या आया है, एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्र आया है, या ये आपका एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र आया। तो यहाँ तक बात समझ आती है नहीं आती? और पहला इंटरवल बोलो बेटा क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। दूसरा इंटरवल क्या हो गया, माइनस वन से वन। और तीसरा इंटरवल क्या हो गया, वन से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, माइनस टू रखा तो ये क्या बच्चों पॉजिटिव, और नीचे भी क्या है पॉजिटिव। तो इसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्टेंट क्या आया, पॉजिटिव। तो ग्राफ क्या है इसके अंदर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। माइनस वन और वन इसके बीच में कोई भी पॉइंट रखा, जीरो नहीं रखना, जीरो के अलावा कुछ भी रखो तो ये क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। और आप इसके अंदर रख सकते हो माइनस 0.5 रख सकते हो, ठीक है? और इस तरह रख, तो ये क्या गया, नेगेटिव। तो ये क्या आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बच्चों वन से इन्फिनिटी, टू रखा तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब वो एग्जामिनर जो है लैंग्वेज चेंज कर दी, इसको छोड़ के, इस इंटरवल को छोड़ के बाकी सब जगह क्या है वो, बाकी सब जगह क्या है, इंक्रीजिंग है। तो आप बस इसी लैंग्वेज में से लिख दोगे कि सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिसजॉइंट माइनस वन से वन। दिस इज द वे, इस लैंग्वेज को समझना है, इसको छोड़ के बाकी सब जगह क्या वो इंक्रीजिंग, ठीक है? अब इसके ग्राफ के बारे में इधर देखो बच्चों, ये आपको मैंने कई बार ग्राफ कॉम्पिटिशंस में बताया है कि ये जो ग्राफ है बच्चों ये यूं जाता है, ठीक है? और ये जो इधर है ये यूं जाता है वैल्यू कम के लिए, ये माइनस टू होता है और ये क्या होता है, टू। दिस इज अ ग्राफ। इस ग्राफ से भी देख के आपको पता चल रहा है
कि ये ग्राफ जो है ये वैल्यू कहाँ लेता है बच्चों, ये वन यहाँ लेता है और माइनस वन कहाँ लेता है, ये यहाँ लेता है। तो हर जगह ये इधर छोड़ के आपका हर जगह क्या है, इंक्रीजिंग है। वन से इधर देखो बच्चों, वन इधर ले रहा है वैल्यू, तो वन के इधर क्या इंक्रीज है, और माइनस वन के इधर भी क्या है, इंक्रीज है, बाकी सब जगह क्या है वो डिक्रीज है। तो इस तरह आप इसको एनालिसिस कर सकते हो, पता चल जाता है आपको। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17, प्रूव डेट लॉग ऑफ मोड कोसेक्स। मोड को देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, तो ऐश्वर्या आपको घबराहट तो नहीं हो रही बेटा इस क्वेश्चन को देख के? निहारिका आपको हो रही है घबराहट या नहीं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर देते हैं। देखो इसके अंदर यदि आपको डेरिवेटिव आता है, और डेरिवेटिव आप लोगों के स्ट्रॉन्ग है, आपको मालूम है, हाँ जी, क्या करेंगे हम, बिल्कुल सिंपल वे से चलेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया, ये क्या गया, वन अपॉन मोड कोस एक्स, ठीक है, और मोड एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है सिग्नम एक्स होता है। तो यहाँ पर सिग्नम एक्स जो होता है बच्चों वो क्या होता है, आप लोगों को मालूम है, एक्स अपॉन मोड एक्स होता है, या मोड एक्स अपॉन एक्स, जो आपका मन करे कर लो। तो ये आ गया कोस एक्स अपॉन मोड कोस एक्स। अब बाकी चेन रूल से कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। यहाँ तक बात समझ आती है? तो ये क्या आया, वन अपॉन मोड कोस एक्स, और कोस मोड कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस अपॉन मोड कोस एक्स, और कोस एक्स का चेन रूल से माइनस साइन एक्स। अब इधर देखो बेटा, एनालाइज करो, ये साइन एक्स है, ये कोस एक्स है, और ये मोड कोस एक्स का होल स्क्वायर है। तो नीचे वाला तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इधर देखो साइन एक्स भी क्या बच्चो, पॉजिटिव है, जीरो से पाई बाई टू के बीच, और वो कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करना है आपने, इधर देखो बेटा, इधर मैंने टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, टू नीचे कर दिया, तो ये क्या हो गया बेटा, माइनस साइन टू एक्स हो गया। ये इलेवेंथ क्लास में आपने लोगों ने आइडेंटिटी की हुई है। अब ये मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन टू एक्स क्या होता है, फर्स्ट टू क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और किसके बीच में, जीरो से पाई के बीच में, मालूम है ना। अब मैंने इसको क्या किया, टू से डिवाइड कर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे चेक क्या करना था, चेक जीरो से पाई बाई टू सब कुछ करना है, मुझे इसको नेगेटिव बना दिया, तो ये क्या हो गया, साइन टू एक्स इज लेस देन जीरो, और इधर इंटरवल जो है आपका क्या है, जीरो से पाई बाई टू। तो एफ डैश एक्स क्या बच्चों, नेगेटिव है इस इंटरवल में, तो इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन जीरो से पाई बाई टू। अब देखो फिर दोबारा बच्चों इसको समझा देता हूँ, लॉग मोड कोस एक्स है, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, वन अपॉन मोड कोस एक्स आ गया, और इसका डेरिवेटिव सिग्नम कोस एक्स होता है, और कोस एक्स को फिर डिफ्रेंशिएट किया चेन रूल से, माइनस साइन एक्स आ गया, टू से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन टू एक्स आ गया, नीचे डोमिनेटर तो पॉजिटिव है, तो सारा रोल कौन प्ले करेगा, साइन टू एक्स, क्योंकि वो डोमिनेटिंग है। यदि देश के बारे में किसी को डिसीजन लेना हो, तो आज की डेट में पावर किसके पास है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है, तो वो डोमिनेटिंग है, ठीक है। आपके घर में भी किसी के हाथ में डोमिनेटिंग होगा, ठीक है, इस इंस्टीट्यूट में कहीं सब बच्चे कह रहे हैं मम्मी, तो कोई बात नहीं, मम्मी भी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या बच्चों, लेकिन मुझे माइनस देखना था, तो माइनस से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है जीरो से पाई बाई टू में। अब आगे आ जाओ, हाँ जी, अब साइन टू एक्स जो है आपका नेगेटिव कब होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये जो एंगल है आपका किसके बीच में है, टू पाई के बीच में, बात समझ आई। अब लेकिन मुझे एक्स के लिए देखना है, तो मैंने इसे एक्स से क्या, टू से क्या कर दिया, डिवाइड, किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और लेकिन इधर मुझे माइनस चेक करना था, तो इधर ये एफ डैश एक्स जो है वो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, किस इंटरवल में, पाई बाई टू से पाई, तो सो एफ एक्स इज क्या आएगा, इंक्रीजिंग, किसके अंदर, माइनस पाई बाई टू से पाई, ठीक है। तो मोड कोस एक्स मिल जाए हमारे किसी भी बच्चे को, किसी भी शेर को, या किसी भी तरह का फंक्शन मिल जाए, वो तो उसको एनालाइज कर सकते हैं ऊपर से नीचे तक, तो ये आपका हो गया। तो इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए कि इसके साथ साथ हम चल रहे हैं, साइन टू एक्स नेगेटिव कहाँ होता है, लेकिन हमें माइनस साइन टू एक्स चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर हो गया, तो वो क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, पाई बाई टू से पाई के अंदर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो ये बात क्लियर होगी या नहीं होगी बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप फटाफट कर सकते हो। आपने इंटरवल निकालने, इसके अंदर कहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स है।
सारी कहानी शुरू हो गई। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको अब हमने डिफ्रेंशिएट किया विद एक्स, ये हमारा आ गया डी वाई बी डी एक्स, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल से किया, ई टू पावर माइनस इंटू माइनस वन प्लस ई टू पावर माइनस एक्स इंटू टू एक्स, कर रहा बच्चों e टू पावर माइनस एक्स तो पॉजिटिव ही है, तो अब जो आपके स्टेशनरी पॉइंट हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वो किससे आएंगे, इससे आएंगे, तो x कॉमन लिया तो 2 माइनस एक्स, तो x एक तो जीरो आ गया और एक x क्या आ गया 2 आ गया। तो अब आपको यदि ये नंबर लाइन आती है, लेकिन वहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको हम नंबर लाइन से ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या था, नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और हमें क्या बताना था, इंक्रीजिंग, तो जीरो से टू के बीच में क्या है, ये स्टिकली इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ऑप्शन है वो डी ऑप्शन, ये करेक्ट, बाकी सब ऑप्शन क्या है, गलत। थैंक यू वेरी मच।